पहले बॉक्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं। इस बॉक्स में आपका कॉर्डलेस ड्रिल 12 वोल्ट विद दो बैटरी के साथ, रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी और एक चार्जर आपको साथ में मिलता है। इसके साथ आपको दो ड्रिल बिट सेट भी मिलते हैं। इनमें से एक जो है मेसनरी ड्रिल, मीन्स की दीवार या कंक्रीट में छेद करने के लिए, और दूसरी ड्रिल सेट है जिसके अंदर, इसमें आपको 5 ड्रिल्स मिलती हैं, ड्रिल बिट्स, और इसमें आपको 13 ड्रिल बिट्स मिलती हैं जो कि HSS है, मीन्स की हाई स्पीड स्टील से बना हुआ है, जो कि आप इजीली सॉफ्ट स्टील या फिर लकड़ी वगैरह में ड्रिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हो। ओके, अब ड्रिल पे वापस आ जाते हैं। ये ड्रिल बिट है 12 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी के साथ, इसको आप इस तरह से अलग कर सकते हैं, इजीली अलग हो, बैटरी खुल जाती है इसकी। और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो इसी में लगा हुआ है बैटरी के अंदर, यहाँ पर आपका चार्जिंग पॉइंट है, इसको आप यहाँ पर लगा सकते हो अपना चार्जिंग पॉइंट, और इसको दीवार पे किसी भी वॉल सॉकेट में लगा के यूज़ कर चार्ज कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि जब आप इस ये चार्ज हो जाएगा तब ये जो लाइट है ये रेड से ग्रीन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप इजीली बता सकते हो कि आपका बैटरी कब चार्ज हो चुकी है। और नेक्स्ट इसके अंदर दो बैटरीज दी गई है। एज़ पर मैनुअल ये जो बैटरी है आपकी 40 मिनट काम करती है, बट मैंने यूज़ करके देखा है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के आसपास काम करती है कंटिन्यूस, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ड्रो ड्रिल बैटरी यूज़ करते हैं तो आप 1 आवर तक यूज़ कर सकते हैं। और छोटे मोटे काम के लिए ड्रिल बहुत बढ़िया है, कोई अगर आपको स्क्रू खोलना हो या फिर दरवाजे का हैंडल वगैरह लगाना हो तो आप उसको इसके लिए में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक बैटरी से ज़्यादा यूज़ होनी नहीं चाहिए, कितना काम आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो और आपको इस तरह का कुछ चाहिए ड्रिल, तो मैं बोलूँगा कि ये आपका प्राइमरी ड्रिल नहीं हो सकता, ये आपका सेकेंडरी ड्रिल हो सकता है, सेकेंडरी ड्रिल की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। चलो अब इसका ड्रिल का फंक्शनिंग वगैरह देख लेते हैं। जो ड्रिल है इसका जो फ्रंट है ये है आपका 10 mm मैक्सिमम ड्रिल बिट एक्सेप्ट करेगा, मीन्स कि मैक्सिमम आप इसमें 10 mm की ड्रिल बिट लगा सकते हो, इससे ज़्यादा थिकनेस वाली ड्रिल बिट इसमें यूज़ नहीं होगी। मीन्स कि जो हमारे पास ये जो ड्रिल है बिट है इसमें लिखा हुआ 10 mm, ये मैक्सिमम है जो इस ड्रिल में यूज़ हो सकती है। इस ड्रिल को लगाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखाता हूँ इसको कि किस तरह से आप इसमें ड्रिल बिट अटैच करोगे। तो ड्रिल बिट को लगाने के लिए आपको इसमें इंसर्ट कर देना है ड्रिल बिट को इस तरह से कीलेस चक के अंदर। इस बटन को आप पूरी तरह से राइट साइड में प्रेस करना है, इस चक को आपको हाथ से पकड़ना है और ये आपका ड्रिल लग चुका है ईजिली। तो इसमें आपको किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। खोलने के लिए इस को आपको इस तरह से ये बटन जो है पूरी तरह से इस तरह लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करना है, वापस इसको पकड़ोगे आप और ये आपका ड्रिल बिट बाहर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, घर के काम के लिए ईजी है। और इसको आप जब सेंटर पोजीशन पे लाओगे तो ये ड्रिल लॉक हो जाएगा, मींस कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आप सेफ्टी के लिए सेफली इसको स्टोरेज में रख सकते हो। बाय चांस गलती से बटन दबाने से ये नहीं चलेगी ड्रिल। अब बात कर लेते हैं इस ड्रिल के फीचर्स की। इसके अंदर ये जो स्विच है ये आपको दो पावर मोड देता है, 1 और 2। इन दो पावर मोड में से आपको एक सेलेक्ट करना है। फर्स्ट मोड जो है आपका यूज़ है, काम आएगा जब आपको कोई स्क्रू या फिर बोल्ट वगैरह खोलना है, उसके लिए आपको अटैचमेंट की ज़रूरत होगी। स्क्रू बोल्ट खोलने के लिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे, मैं अलग से लेना पड़ेगा। और सेकंड जो है इसका हाई स्पीड वाला ऑप्शन है जिसमें कि आप ड्रिल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें स्पीड का कितना फ़र्क है। अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। ट्रिगर जो है ये जितना आप प्रेस करोगे उतना ज़्यादा ये स्पीड पकड़ेगा, जैसे कि आप हम इतना सा हल्का सा दबाएंगे
तो ये स्लो घूम रहा है, और दबाओगे तो तेज घूमेगा, और पूरा दबा दोगे ना फुल स्पीड में घूमेगा। लेकिन ये वन पे पोजीशन पे ये हाई स्पीड है, लेकिन अब इसको हम टू पोजीशन पे करके देखते हैं किसकी क्या स्पीड है। आप आवाज़ से ही जान सकते हो कि ये कितनी स्पीड से चल रहा है। ये सेकंड पावर मोड में ये ड्रिल वगैरह करने के बहुत काम आता है। सेकंड पोर्ड में सेकंड आपका जो क्लच है सेकंड मोड में भी काम करता है, लेकिन बेस्ट है कि आप इसको फर्स्ट मोड पे यूज़ करें। फर्स्ट मोड में आप वुड या फिर स्टील में जब ड्रिल करना हो इजीली उसके लिए यूज़ करें, या फिर कोई नट बोल्ट वगैरह कोई नाजुक चीज़ को आप खोलना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल करो आप। अब कोशिश करें कि इसको फर्स्ट पोजीशन पे ही रखें। ये जो आपके जो नंबर्स दिए हैं ये आपका क्लच नंबर्स हैं। इसमें अलग अलग सेटिंग पे आप अलग अलग तरह की वुड्स में ताकि ओवर ड्रिल ना हो, आप ज़्यादा तेज़ी से ना ड्रिल करें और किसी चीज़ को नुकसान, जैसे कि एल्युमिनियम में, अगर आप एल्युमिनियम में स्क्रू लगाना चाहते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लो सेटिंग पर रखें ताकि एल्युमिनियम के अंदर स्क्रू लगाते हुए गलती से वो जो आपका जो बोल्ट स्क्रू होल है उनको आप स्ट्रिप ना कर दें, ख़राब ना हो जाए आपका जो होल है, जो स्क्रू होल है, ताकि वो स्क्रू जो है कहीं पर फ्री ना हो जाए उसके अंदर। तो आप इसमें कह रहे हैं इसको जब आप टाइट करोगे जब इसको आप टाइट करोगे तो एक पोजीशन पे आ गई है, ये क्लच जो है उसको छोड़ देगा। अगर आप इसको हाई पे करोगे तो ये तो इसमें और ज़्यादा ताकत है, लेकिन आप अगर इसको 16-18 पे ले जाओगे तो मैन्युअली इसको रोकना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप देख ही सकते हो कि मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ रही है इसको रोकने के लिए, इस ड्रिल में बहुत ज़्यादा ताकत है। और आप अगर इसको इस पोजीशन पे ले आएंगे जो ये ड्रिल बनी हुई है, इसमें आपका क्लच काम नहीं करेगा, ये ड्रिल करने के काम में आता है, ठीक है। बाकी सारे जो है ये 19 पोजीशन आपका क्लच सेटिंग है और एक पोजीशन पे आपका ड्रिल सेटिंग है। ये आपका लास्ट पोजीशन है जो कि आप क्लच में यूज़ कर सकते हैं, आपका मतलब कि माइल्ड स्टील से लेकर एल्युमिनियम तक में काम आएगा ये। और यह इसके अंदर जो ये जो फ्रंट में है यहाँ पर एक हैंडी सा लाइट दिया हुआ है ताकि जो अगर आप किसी डार्क या फिर जहाँ पर लाइट ज़्यादा नहीं है वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो ये यहाँ पर काम आएगा आपके। बट ये इतना ब्राइट नहीं है कि हम इसे यूज़ करें। लेट मी लाइट ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये अंधेरा हो जाता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा रोशनी नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा चेस्टन ब्रांड वालों को कि जो लाइट जो है इतनी अंदर लगा रखी है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लगाए ताकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो फुल मिल सके। इस टाइम पे ये ब्राइटनेस किसी काम की नहीं है। और इसका जो ग्रिप है ये रबराइज ग्रिप है, काफ़ी कंफर्टेबल है पकड़ने में, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, ये मेरे ख्याल से 1 किलो के आसपास का वज़न है इसका, 1 से 1.5 किलो के आसपास का, आप इजीली इसे अपने साथ लेके जा सकते हो। ये जो हैंडी बॉक्स है ये इसमें बहुत काम का है, इसमें आप सब कुछ एक साथ रख के ले जा सकते हो। ये यहाँ तक कि ये ड्रिल बिट्स भी इसके अंदर आ जाती हैं, आप इजीली ले जाके इसको क्लोज कर सकते हो इजीली। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो आप इस तरह से रख सकते हैं, ड्रिल यहाँ पर रहेगा, ये एक्स्ट्रा बैटरी यहाँ पर और चार्जर यहाँ पर। इसके बाद आप इसको यहाँ पर रखिए और इसको यहाँ पर रखने के बाद इसे क्लोज कर दीजिए। इसका लैच काफ़ी अच्छा है और ड्यूरेबल भी लगता है देखने में, लेकिन कितना ड्यूरेबल है मुझे नहीं पता। काफ़ी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बॉडी है, तो आप इसको ले जा सकते हो इस तरह से बॉक्स में, आप कहीं पर भी हैंडी उसमें लेके जा सकते हो। देख ही रहो कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अब इसका यूज़ भी करके देखते हैं कि ये ड्रिल करने में कितना अच्छा है।
ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग इस टाइल को ड्रिल करके देखते हैं। आप देख ही रहे हो, इजीली ड्रिल हो जा रहा है। ये वॉल टाइल है, दीवार पर लगने वाली टाइल है, नॉर्मल ऑर्डिनरी टाइल। देखा आपने किस तरह से इजीली ड्रिल कर दिया है। अब इसके साथ ही एक और बार हम इसको ड्रिल करते हैं, एक और छेद बनाते हैं या ड्रिल करते हैं इसमें। देख रहे हो ईजिली कितने आराम से इस ड्रिल से हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। और इस टाइम पर देख ही रहे हो, ड्रिल थोड़ी बहुत गर्म भी हो रही है, बट ईजिली होल हो गया, बड़ा ही क्लीन होल हुआ है इस टाइल में। क्लोजअप व्यू देखिए आप। अब इसको पलट के इसका पीछे बैक साइड भी देख लेते हैं। पीछे भी आप इजीली देख सकते हो कितना क्लीन ड्रिल होल हुआ है इसमें। अब इस एल्यूमिनियम पर भी हम इस ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रिल जो है पहले भी यूज़ हो चुका है, तो इसमें इतनी शार्पनेस है नहीं, ये इतना तेज़ ड्रिल नहीं है, घिस चुका है। फिर भी देखते हैं कि इससे ड्रिल होता है कि नहीं एल्यूमिनियम को। आप देख ही रहे हैं, थोड़ा बहुत दिख रहा है कि एल्यूमिनियम के टुकड़े निकल रहे हैं धीरे धीरे। ऑलमोस्ट ड्रिल हो गया, पार होने ही वाला है ये। मैं इस ड्रिल पे थोड़ा बहुत प्रेशर भी डाल रहा हूँ ऊपर से, तो देख ही सकते हैं कि इजीली ड्रिल हो गया। 3 मिलीमीटर का होल हो चुका है। एक और ड्रिल करके देख लेते हैं, एक और होल कर लेते हैं इसमें। ओके, तो हम लोग एक और ड्रिल होल यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़ा बहुत ऊपर से प्रेशर भी डाल रहा हूँ ताकि ये ड्रिल ईजिली बाइट करे और छेद ईजिली हो जाए। बट लग रहा है कि इसमें हमारी ड्रिल जो यूज़ हो चुकी है इतनी बार, तो उसमें उतना शार्पनेस नहीं है, उतना तेज नहीं है, घिस चुका है। बट फिर भी ड्रिल कर रहा है, थोड़ा बहुत इसमें जान बाकी है, लेकिन इस ड्रिल बिट को बाद में इसको तेज़ करना पड़ेगा। चलो अब मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखा रहता हूँ कि कितना कैसा होल हुआ है, कितना क्लोजअप क्लीन होल है। देख ही सकते हो आप कि क्लीन होल हुआ है, थोड़ा बहुत शार्प एजेस है ऊपर की तरफ। और वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि दो दूसरों तक पहुँच जाए। आप इस लकड़ी में भी थोड़ा बहुत ड्रिल कर लेते हैं। इस लकड़ी में मेरे ख्याल से बीच में एक गार्ड जैसा कुछ है जो कि ड्रिल को आगे बढ़ने से रोक रहा है, थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा इसमें। अगर आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा ये वीडियो जो है अच्छा है और हमारा रीच है वो बढ़ जाएगा। और मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हूँगा, ताकि मैं और ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदूँ और आपके लिए इनको रिव्यूज़ करूँ। अभी तो मैं खैर अपने पैसे से ही इनका रिव्यू कर रहा हूँ। तो आपने देखा इजीली ड्रिल कर लिया है। तो अब मैं इस लकड़ी को एक और ड्रिल से ड्रिल करेंगे। और ये जो ड्रिल है, ड्रिल बिट है, ये स्पेसिफिकली लकड़ी में ड्रिल करने के लिए बनाई गई है। और आप इसे देख ही सकते हो कि ये कितने आराम से लकड़ी में ड्रिल कर दे रही है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बीच में गांठ आ रही है, कुछ और आ रही है। मैं इस ड्रिल बिट का आपको क्लोजअप भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप ही देख ही सकते हैं कि इस ड्रिल बिट के आगे की तरफ एक पॉइंट सा बना हुआ है। मैं दूसरी ड्रिल बिट्स लाकर आपको दिखाता हूँ कि वो सारी किस तरह से दिखती हैं। और आप इन ड्रिल बिट्स के आगे देख ही सकते हैं, इन ड्रिल बिट्स के आगे एक स्पेसिफिक चोंच जैसी बनी हुई है, जिससे कि ये इजीली पिन पॉइंट लोकेशन पे ड्रिल कर सकती है इजीली। ये स्पेसिफिकली लकड़ी में छेद करने के लिए बनाई गई हैं। ये बहुत काम की ड्रिल है अगर आप लकड़ी में छेद करना चाहते हैं तो। और आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास, आपको ऐसी ड्रिल चाहिए जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं, कोई छोटे मोटे स्क्रू खोलना या फिर स्क्रू लगाना, दीवार में छेद करना वगैरह यूज़ करने के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया ड्रिल है। और इस ड्रिल को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए आपको बॉश का एक ड्रिल सेट लेना चाहिए, जिसके अंदर कि आपको और बढ़िया ड्रिल बिट्स मिलेंगी और लकड़ी में छेद करने वगैरह, साथ में स्क्रू ड्राइवर सेट भी मिलेगा, उनका चक भी, उनका अडैप्टर भी मिलेगा, जिससे कि आप इजीली दूसरे काम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्रिल से मैंने इसमें रस्ट वगैरह रिमूव करने के लिए भी अटैचमेंट्स वगैरह आते हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको घर में रस्ट वगैरह हटाना है या फिर दीवार से कुछ पेंट वगैरह निकालना है उसके लिए किसी मेटल सर्फेस से या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो ड्रिल के अटैचमेंट्स बहुत सारे हैं जो कि आप अमेज़न पर देख के ढूंढ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और आप एज़ पर नीड आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।